ये है नासूर, जिसे हमारे माननीय विधायक माननीय श्री श्री प्रदीप बत्रा जी जिसे नासूर बता रहे वो दिखा रहे जी हम आपको। ये देखो ये नासूर, ये जो यहाँ तक फैला ये नासूर, वो गरीब आदमी नासूर नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए फड़ी लगा रहा है, ये है नासूर। बिल्कुल, ये प्रदीप बत्रा की, विधायक प्रदीप बत्रा की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है उनकी। वो पहले यहाँ से वो हटवाते का अतिक्रमण का सारा, ये सीढ़ियाँ तुड़वा के यहाँ की नालियाँ निकलवाते, यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल जो है जाम लगाती है इन्हें हटवाते, या कोई कार्रवाई प्रशासन यहाँ से करता तब दूसरी जगह जाता। अतिक्रमण अगर कोई नियम बना है तो नियम बराबर का बना है। आप हो या हम, या कोई गरीब आदमी हो या कोई अमीर आदमी, या कोई सड़क पर चलने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई विधायक या कोई सांसद या आप या मुख्यमंत्री, और खुद ऐसा लीड करना सिंघम की तरह, एक विधायक शहर विधायक प्रदीप बत्रा मैंने पहली बार अतिक्रमण को हटाने के लिए लीड करता हुआ देखा है, एक प्रशासनिक अधिकारी एक व्यापारी को मारता हुआ देखा है। यहाँ की नाली कहाँ है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, जितना बड़ा इंजीनियर हो, दुनिया के किसी भी कोने का इंजीनियर हो, आ करके एक बात जरूर बता दे कि भाई यहाँ पर नाला कहाँ है, कहाँ नाला है, और अगर नाला है तो दिखे तो सही। क्या इस नाले की सफाई नहीं होगी, क्या नगर निगम इस नाले की सफाई नहीं करेगा, क्या विधायक प्रदीप बत्रा जिसके जिम्मेदार नहीं है कि इसकी सफाई होनी चाहिए, और अगर सफाई होनी चाहिए तो यहाँ पर गंदगी, यहाँ पर वो नाला है कहाँ पर, ये बताओ, क्या नाला भी चोरी हो जाएगा। आप दूर तक एक तरफा कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं और हम आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये नहीं 6 दुकानें मेरे यार की हैं, ये छोड़ दो 8वीं से डालो। ये सारा बाहर तक आ रहा है, नाला सारा छुपा लिया इन्होंने, सारा कर लिया, ये अतिक्रमण नहीं है, इस अतिक्रमण को प्रशासन नहीं देख रहा। इस वक्त हम लोग हैं सिविल लाइन पिज्जा हट के पास, ये वो एरिया जहां से हजारों लोग डेली गुजरते हैं, और आज यहां खड़ा होने का मकसद क्या है, आज यहां आने का मकसद क्या है, तो मकसद साफ तौर पर है कि पीछे आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे भीड़ क्यों लगी है, इसी भीड़ के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, आजकल रुड़की में एक काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, वो है अतिक्रमण को ख़त्म करने का। अतिक्रमण को ख़त्म हर कोई करना चाहता है, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई अधिकारी हो, अतिक्रमण मुक्त शहर चाहता है, जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अतिक्रमण खत्म हो, लेकिन वो अतिक्रमण खत्म करने के लिए क्या सभी लोग एक जैसा समान व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। ये इसलिए सोचने वाली बात है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी एक जो आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि अतिक्रमण में भी भेदभाव हो रहा है। अभी तक जो भेदभाव हुआ करता था वो नौकरियाँ देने को लेकर के हो, या कभी किसी योजना का लाभ लेने देने को लेकर के हो, लेकिन यहाँ पर बात चली सिर्फ और सिर्फ कि अतिक्रमण अगर हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं कैटेगराइज फॉर्मेट में चल रहा है। कैटेगराइज मतलब स्पेसिफिक, अगर आप हमारे मित्र हैं तो शायद आपके लिए हम उतनी कड़ाई नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप मेरे शत्रु हैं तो हम आपके लिए बहुत ही कड़ाई रखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर सचिन गुप्ता आज अचानक सड़क पर क्यों उतर रहा है, क्या वजह है? देखिए, मैं कई दिन से शहर से बाहर था, मैं एक अपनी बिजनेस डील में बाहर गया था, परसों रात ही वापस आया हूँ। आने के बाद मैंने आप ही के माध्यम से वीडियोस देखे जिसमें दिखाई दिया कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं शहर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, शहर में हर आदमी को आज़ादी होनी चाहिए घूमने फिरने की, चलने की, लेकिन वो अतिक्रमण हमेशा चिन्हित नहर के पल्ली तरफ, बीडीगंज और आपका मच्छी मोहल्ला, आपका जो मेन बाज़ार है उसी में क्यों होता है? अतिक्रमण क्या है, सिविल लाइन्स के इस तरफ नहीं है? 365 दिन यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल लगते हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है। इस विशाल मेगा मॉर्ट ने जो है, देखिए आप दिखाइए यहाँ पे, क्या नाम अखिलेश जी, यहाँ पे कहाँ है नाली? ये सारी जमीन जो है सरकारी सड़क पे आई हुई है, क्या ये अतिक्रमण नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ JCB नहीं चलनी चाहिए? नगर विधायक कहते हैं, कहने लगे कार्रवाई होनी चाहिए स्वामियों पे, बहुत जिन लोगों ने अपने यहाँ अतिक्रमण करवाया वो करना चाहिए, तो फिर तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। आप विशाल मेगा मॉर्ट के ऊपर या वी मॉर्ट के ऊपर करिए कार्रवाई। आप जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट पर करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों आप इस एरिया में करने की बात कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि अतिक्रमण केवल जनप्रतिनिधियों को नहर के पल्ली तरफ दिखाई दे रहा है, आज तक हमेशा वहीं पे कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? भाई एक मैं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अतिक्रमण हटाओ, तो पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी वो बनती है कि मैं अपने यहाँ से अतिक्रमण हटवाऊँ, तो मुझे यहाँ से अतिक्रमण हटवाना चाहिए, तब मैं दूसरों को नियत दूँ, कहने लगे हाँ भाई तुम अतिक्रमण हटाओ। आपने कहा कि यहाँ से हटाना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं ये
ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जगह है। बिल्कुल, ये प्रदीप बत्रा की, विधायक प्रदीप बत्रा की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है उनकी। वो पहले यहाँ से वो हटवाते का अतिक्रमण का सारा, ये सीढ़ियाँ तुड़वा के यहाँ की नालियाँ निकलवाते, यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल जो है जाम लगाती है इन्हें हटवाते, या कोई कार्रवाई प्रशासन यहाँ से करता तब दूसरी जगह जाता। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, ये जगह सचिन गुप्ता जी साफ तौर पर कह रहे हैं, ये जो जगह है ये जगह किसकी है, ये जगह रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा की है, बिल्डिंग उनकी है। और जब अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, आप किसी भी पद पर हो, समान रूप से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं बेसिकली, है क्या? कार्रवाई एक तरफा होनी चाहिए, कार्रवाई एक सिरे से पकड़ के आखिरी सिरे तक एक समान होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने कई बार निशान लगा लिए मेन बाजार में, नए पुराने पुल से लेके और मच्छी मोहल्ले तक, यहाँ पे किसी ने निशान लगाया आज तक? आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ कहाँ पे आ रही हैं, आप देखिए सीढ़ियाँ कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ तक बाहर निकला हुआ है, क्या इसमें कोई निशान दिखाई दे रहा? ये सारा बाहर तक आ रहा है, नाला सारा छुपा लिया इन्होंने, सारा कर लिया। ये अतिक्रमण नहीं है, इस अतिक्रमण को प्रशासन नहीं देख रहा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि विधायक भाजपा के हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट की बात नहीं, सेंटर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे बड़ी बात, ऐसी कंडीशन में अगर विधायक का अगर कहीं पैसा लगा है तो वहां और उस जगह को तोड़ने में कठिनाई होगी। और यहां तक कि अच्छा एक बताइए, आप सिर्फ विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या? जो अधिकारी लोग होते हैं, ये अधिकारी अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं क्या? अधिकारी तो इस वक्त इतने प्रेशर में हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा परसों बीटीगंज जाते हैं, वहाँ पे अधिकारियों को कह के अतिक्रमण हटवा रहे हैं, आपकी वीडियोस में है, वो चिन्हित कर रहे हैं कि इसने अतिक्रमण किया हुआ है, इसने इन चार ने नहीं किया हुआ है। मतलब आप ये देखिए, एक व्यापारी का माल उठाया जाता है, एक व्यापारी को थाने तक लेके जाया जाता है, वो चार को छोड़ रहे हैं। वो चार को क्यों छोड़ रहे हैं उसका जवाब तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और वो देंगे, विधायक प्रदीप बत्रा। ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो अधिकारी क्या दबाव में काम कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं आप लोग कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की, ये कौन सा टॉलरेंस आप लोग कर रहे हैं? कितना प्रतिशत आपने टॉलरेट किया है या नहीं किया है? क्यों साहब, क्या कहेंगे आप, ये टॉलरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके मकान शीशों के होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते, ठीक है? किसके मकान शीशे के हैं? ये मकान शीशों के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। ये मकान शीशे का है, अतिक्रमण आप कैमरामैन से कहूँगा, आप दिखाइए जरा, ये 5 फुट बाहर निकली हुई सीढ़ियाँ हैं और ये माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का है। जैसे उन्हें धोनी नीति बीटीगंज में अपनाई है उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि अपनी सीमा में रहें, अपनी गरिमा बना के रखें, वो सबके लिए हितकर होता है। एक व्यापारी को छोड़कर दूसरे को इस तरह टॉर्चर करना कहाँ तक न्याय उचित है? और इसमें वाली बात है कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, विधायक बदलते रहेंगे, मेयर बदलते रहेंगे, और अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आप एक तरफा किसी व्यक्तिवाद पर टिक जाएंगे तो सवाल यही खड़ा होगा कि साहब यहाँ की नाली कहाँ है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, जितना बड़ा इंजीनियर हो, दुनिया के किसी भी कोने का इंजीनियर हो, आ करके एक बात ज़रूर बता दे कि भाई यहाँ पर नाला कहाँ है, कहाँ नाला है। और अगर नाला है तो दिखे तो सही, क्या इस नाले की सफाई नहीं होगी? क्या नगर निगम इस नाले की सफाई नहीं करेगा? क्या विधायक प्रदीप बत्रा जिसके जिम्मेदार नहीं है कि इसकी सफाई होनी चाहिए? और अगर सफाई होनी चाहिए तो यहाँ पर गंदगी, यहाँ पर वो नाला है कहाँ पर, ये बताओ, क्या नाला भी चोरी हो जाएगा? क्या नाला भी चोरी हो जाएगा? आप ये सोच करके बताइए। 5 फीट आगे रखा, देखो पूरा हो गया नाला, चोरी हो गया। अखिलेश भाई छत देखो, डिग्री 1.5 फीट या 6 फीट, ठीक है जी, ये जीना जू का तू। विधायक जी मेन बाजार में घुसेंगे, 4 दुकानों पे हाथ लाएंगे, छठी से अतिक्रमण हटना शुरू। ये दोहरी नीति भाई, क्या मतलब है? वहां मेशी जूस वाले यहां से चले, उनके साथ के जो मित्र या जिन्हें मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, मित्र उनके, वो साथ हो गए, उनकी दुकानों के सामने अतिक्रमण है, लेकिन वहां से निकल के अतिक्रमण कहां से हटता है? बीटीगंज से है भाई। ये क्या है, कौन सा मापदंड लेके चल रहे हो विधायक जी? मेन बाजार से घुसो, अतिक्रमण एक तरफा हटाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ भाई ये हट गया। मेन बाजार से मच्छी मोहल्ले तक जाओ एक तरफा, एक तरफ मैं जरूर एक चीज दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर आप नाले को आकर के अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो नाला भी आपको अलग जगह पर दिखेगा। और साफ सफाई करने को लेकर के जो लोग कहते हैं कि भाई अगर अगर आपको कोई व्यवहार कर रहा है, कोई गलत कर रहा है,
नीतियां तो एक अपनाई जानी चाहिए। और यही नहीं है, ये पूरा अगर आपको पूरा हम गैलरी दिखाएं, पूरा एरिया दिखाएं, तो आपको एक बड़ा सा बड़ी सी आपको गैलरी दिखेगी, और इस गैलरी में तमाम ऐसे गाड़ी स्कूटर खड़े होते हैं, और जब जब अतिक्रमण की बात की जाती है तो अतिक्रमण में ये पूरा पूरा क्षेत्र नजर आ जाता है, पूरा एरिया नजर आ जाता है। नाला चोरी हो चुका, बंद हो चुका बिल्कुल, पानी की निकासी बिल्कुल बंद है, जनता परेशान है, मोटरसाइकिल निकाल नहीं सकती, गाड़ी निकालने में बड़ी परेशानी होती है। और आप देखिए अभी तक तो न जाने क्या क्या चोरी हुआ करता था, और अभी जो ये कह रहे हैं नाला चोरी हो गया। यहाँ से देखिए ये अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण की तरफ ना तो किसी विभाग के अधिकारी का वो जा रहा है, ना किसी जनप्रतिनिधि का जा रहा है। आप ये देखिए सड़क पे लाके सीढ़ियां रख दी हैं, सड़क पे लाके पूरा फुहारा मतलब फाउंटेन बना दिया है, इसे चमकाने के लिए, इसे चलाने के लिए। सड़क जो है आधी से ज्यादा घेर लिया, आप सड़क की चौड़ाई देखिए कितनी रहेगी, सारी सड़क जो है पार्किंग में ले ली। ये अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को कोई नहीं देख रहा। क्या कोई ये बता पाएगा कि सड़क की साइज एक्चुअल साइज क्या है और कितना अतिक्रमण है? ये तो अधिकारी बताएंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी निशान लगाते फिर रहे वो उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा। आप मुझे निशान दिखाओ, यहाँ कहाँ लगा हुआ, आप ये देखो निशान लगा हुआ है कहीं पे। इन्होंने सारी की सारी जमीन जो सरकारी जमीन है आगे की उसे कब्जा के अपना जो है वो बना लिया यहाँ पे स्टैंडिंग का, कि स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा कराइए तो यहाँ जाम नहीं लगेगा तो और क्या होगा। अतिक्रमण की बात करें तो बराबर अतिक्रमण होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नाला कहाँ है, नाला भी आप ढूंढ रहे हैं, हाँ जरा नाला ढूंढ लीजिए। देखिए दोस्तों सारी चीज़ दिखाएंगे, द न्यूज़ वाला नेटवर्क जिस तरीके से आपसे मुखर होकर बात करता है, जैसे ही बात करता है मैं कह रहा हूँ कोई भी हो अगर कोई गलत कर रहा है तो जिम्मेदारी उसकी है, सही करने की जिम्मेदारी उसकी है। और अब देखिए ये देखो जी नाला, ये है नाला, ये है नासूर जिसे हमारे माननीय विधायक माननीय श्री श्री प्रदीप बत्रा जी जिसे नासूर बता रहे वो दिखा रहे जी हम आपको। ये देखो ये नासूर, ये जो यहाँ तक फैला ये नासूर, वो गरीब आदमी नासूर नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए फड़ी लगा रहा है, ये है नासूर जिसे ये बता रहे हैं नासूर। सबसे बड़ी बात है जिस हम साथ में चलेंगे मेन बाजार से घुसो मच्छी मोहल्ले तक, एक नजर से हटाओ भाई साहब जितना नाले, जिसका भी अतिक्रमण है फिर वो राइट है चाहे लेफ्ट है, आप दूर तक एक तरफा कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं और हम आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये नहीं, छह दुकानें मेरे यार की हैं, ये छोड़ दो, आठ भी से हटा लो और वो फड़ी हटा दो, फड़ी हटा रहे हो तो उन्हें हटाने के लिए जगह दो, कांडपाल जी दे। दूसरी बात एक एक साफ तौर पर ये बात स्पष्ट तौर पर है, जैसा अच्छा ताली बजाने लगे आप जी भाई, क्या अच्छा लग गया? अच्छा यूँ लगा कि भाई साहब ने ये बोला कि ये फल छोटे मोटे पड़े हुए हैं, इन पे कहीं चालान काट रहे गरीब आदमी का 500 रुपये का 1000 रुपये का, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। और उसके बाद में जैसे ये है या वो है उधर उधर जो भी है, फिर अगर सफाई हो तो भी मतलब ये एक तरफा ही। आपको पता है किस मामले में बोल रहे हैं ये? इसी में बोल रहे सफाई, ये कह रहे हैं कि ये विधायक जो रुड़की के हैं, विधायक का ये पूरा एरिया है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है और उन्होंने नाली के ऊपर अतिक्रमण किया, उसको तोड़ो, ये कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं तो भाई फुटपाथ वाला हूँ, नहीं बोलोगे? नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये है कि भाई गरीब आदमी को परेशान न करें, 1500 के चालान कट रहे हैं, इसका क्या करें ये बताओ? क्या इस बारे में मैटर नहीं है, ये तो ऐसी बना रहने दो। चलिए सीधे सीधे भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट भी। देखिए अभी ये अतिक्रमण हटा था नहर से लेके ये सारे का सारा, वो रेड़ियाँ फिर दोबारा लग गई, बीटीगंज जो ये लोग लगा रहे हैं वो फिर हट जा रही है, किसकी शय है, किसकी शय है? ये क्या वहाँ भाव तोल हो रहे हैं, रेट बढ़ाए जा रहे हैं? भाव तोल क्या है, भाव तोल को लेकर के बात करें मैं कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन से, शिवम जी एक बार वाइड स्क्रीन में दिखाइए, बड़े लेवल पर दिखाइए, कैमरे में सब कुछ आना चाहिए, कैमरे में बिल्कुल साफ तौर पर नजर आना चाहिए हम कितने दूर आगे आ गए, और वहां पर जो नाली है वो नाली कहां पर है हम आपको वो भी पूरी तरीके से दिखाएंगे, नाली कहां है हम आपको वो भी दिखाएंगे, और पूरा एरिया देखिए आप, इस एरिया के अतिक्रमण की बात करेंगे। और एक और बात मैं आपसे साफ तौर पर कहूं, ये इस तरफ लगा हुआ है ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए, और लाइट है कि जलेगी नहीं, लाइट है कि जलेगी, ये बात मैंने द न्यूज ऑन नेटवर्क के माध्यम से कई बार दिखाई है, मैं कहूंगा कि एक बार आप लाइट को जरूर दिखाइए, लाइट भी टूटी हुई है, इसकी भी स्थिति खराब है, और जब यहां पर इतना अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को दूर करने की जिम्मेदारी क्या किसी और व्यक्ति की नहीं होती है, ये भी जिम्मेदारियां हैं। और फिर से मैं देखिए इतने लोग आए हुए हैं, और आने के पीछे का मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अगर नाली होती है, सड़क जाती है कहीं भी, तो नाली है आसपास, दोनों तरफ नालियाँ होंगी, और नालियों के ऊपर अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराया, आपने कोई घर बनाया, आपने कोई बिल्डिंग बनाई, आपने कोई दीवार बनाई, उसको हम कहते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी कि सरकार ने जो सीमा निर्धारित की है उस सीमा में घुस करके अगर आप उस पर कब्जा करते हैं, उसको हम कहते हैं अतिक्रमण। ये उसी अतिक्रमण का एक नमूना जो यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नाला इन्होंने जो ढूंढा है वो नाला यहाँ पर है, इतना अंदर आकर के। हो सकता है कि खूबसूरती को लेकर के बात की जाती है कि हमें खूबसूरती चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, उन अच्छी चीज़ों का नमूना ये है। हेमेंद्र जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये बताइए ये इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है, ये सुंदरता के नाम पर कलंक है। सुंदरता ही तो है, स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की की तो बात होती है, ये रुड़की की बात नहीं होती, ये व्यक्तिगत बात है। अपने मकान को सजाने के लिए आप अतिक्रमण सड़क पर करेंगे और दूसरा जो रेडी खोमचा लगाता है उसको हटाएंगे, ऐसा अत्याचार किसी गरीब पर करना अच्छी बात नहीं है। विधायक जी आप चेत जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसका जवाब देगी। ठीक है भले ही 5 साल बचे हैं, लेकिन आपको ऐसा अत्याचार और खुद ऐसा लीड करना सिंघम की तरह, एक विधायक शहर विधायक प्रदीप बत्रा, मैंने पहली बार अतिक्रमण को हटाने के लिए लीड करता हुआ देखा है। एक प्रशासनिक अधिकारी एक व्यापारी को मारता हुआ देखा है। प्रशासनिक अधिकारी का दायरा है, गरिमा है, आदेश दे, पुलिस अपना काम करे, गिरफ्तार करें, उसका चलान काटे, लेकिन इस तरह उसे उसकी साथ बदतमीजी करना, धकेलते हुए चौके पे ले जाना। बता पाएंगे ये जो कंस्ट्रक्शन है, नाला कितने, नाले के कितने आगे आ चुके हैं? नाले के कम से कम आप देख रहे 10 फीट लगा, अभी भीतर डालिए 10 फीट आगे, जहां हम ये दीवार देख रहे हैं कम से कम 10 फीट आगे, 10 फीट का एनक्रोचमेंट। क्या जो अतिक्रमण है वो इतना भी नहीं किया जा सकता नियमानुसार? अगर कोई जरूरत पड़ जाए खूबसूरत बनाना ये है कि आप नाले के अंदर रहेंगे, जब हमारी दुकान बनती है, बिल्डिंग बनती है, नाले के अंदर होती है, चाहे मेरा घर है या कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, नाले से अंदर मेरा अधिकार है, नाले से बाहर नहीं है। देखिए पूरा का पूरा 10 फीट का अतिक्रमण है, पहले से हटाए फिर पूरे रोड की हटाए। अब ये देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी मित्रता का दंभ भरते हुए क्या अपने ही पार्टी के विधायक का ये अतिक्रमण तोड़वाने में अपने आप को मजबूत साबित करते हैं या नहीं, या अगर कोई केस में आ गया जिसमें वाहवाही लूटनी है उसको आप तोड़ेंगे, लेकिन अगर आपके विधायक अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके इंक्रोचमेंट को, उनके अतिक्रमण को आप तोड़ेंगे नहीं। अगर आप तोड़ देते हैं तो फिर से आप हीरो साबित हो जाएंगे, अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो यकीन मानिए जनता आपको जीरो कहने वाली है। अतिक्रमण अगर कोई नियम बना है तो नियम बराबर का बना है, आप हो या हम, या कोई गरीब आदमी हो या कोई अमीर आदमी, या कोई सड़क पर चलने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई विधायक या कोई सांसद या आप या मुख्यमंत्री, सबके लिए नियम एक बनाए, उस नियम का पालन करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे विषयों को लेकर के मैं आऊंगा और इसी तरीके से जैसा द न्यूज़ नेटवर्क बात करता है वैसे ही बात करता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे अतिक्रमण हटने चाहिए, रेडी पटरी की आप बात कर रहे हैं, रेडी वालों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे भी अगर अतिक्रमण हटने चाहिए तो खुले तौर पर हटाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि ऐसे अतिक्रमण को हटाने का काम सरकार करे, विधायक जी स्वयं करें, मेयर साहब स्वयं करें, अधिकारी स्वयं करें, और यहाँ तक कि सांसद महोदय पुष्कर सिंह पोखरियाल जी वो भी करें। जितने लोग प्रशासनिक तौर पर जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को जनता ने जिम्मेदारी से एक कुर्सी सौंपी है, जनप्रतिनिधि बनाया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हिसाब किताब बराबर करें और जिस सबके साथ एक ही नियम के अनुसार चलें, एक ही संविधान है, एक ही नियम के अनुसार चलें, ऐसा नहीं जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक बने रहने के लिए।